एग्रोनिक्स की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, कपास की फसल जो कि अक्सर सफ़ेद सोना कहलाती है, भारत की एक प्रमुख रेशे वाली फसलों में से एक है। इस फसल में हेलिकोवर्पा अर्जिमेरा नाम का एक कीट काफ़ी नुकसान करता है, जिसे आमतौर पर बोलवोम के नाम से जाना जाता है। यह कीट पत्तियों व तनों को खाता है, जिसके कारण पत्तियों में छेद होने लगते हैं और पौधा धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह कीट अपने अंडे नई टहनियों, पत्तियों और फलों पर देती है। अंडों से निकलने वाली सुंडी हल्के पीले रंग की होती हैं, जो कि ध्यान से देखने पर फसल पर देखी जा सकती है, तथा विकसित सुंडी का रंग हरे पीले से भूरा लाल होता है। 15 से 20 दिनों के बाद सुंडी मिट्टी के अंदर प्यूपा में बदल जाती है, जो भूरे लाल रंग का होता है। लगभग एक हफ्ते बाद प्यूपा से मोथ निकलते हैं, जो अंडे देने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर देते हैं। इस तरह यह कीट पूरी फसल को धीरे धीरे तबाह कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए इंडोक्सा का अब 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर प्रोफेनोफोस 700 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपनी फसल व पशु से संबंधित समस्या के लिए एग्रोनेक्स की ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं, वह हमारी टीम आपको इसका जल्द से जल्द हल देगी। और ऐसी और वीडियोस के लिए एग्रोनेक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।